अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ी सी जो है वो हवा खोरी करने के लिए और फिर हम जो है वो नीचे से आके मैं बनाऊंगी पुलाव। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ऊपर चली गई है। हाँ, नाउ कमिंग। फिर नीचे चली गई। नो वन इज हियर। हम लोग आ गए पार्क में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो है लास्ट डे ऑफ माय स्कूल। बड़ी खुशी हो रही है बच्चों की तरह कि आज जो है वो छुट्टियाँ हो जाएंगी। बस आज रिज़ल्ट डे है, बच्चों के हैंड ओवर करना है रिज़ल्ट और फिर इंजॉय करनी है छुट्टियाँ। अच्छा, रिज़ल्ट के बाद जो है वो हम लोगों का लंच है स्कूल की तरफ से, एनुअल लंच, तो उस पे जाएंगे। तो बस सभी वेट कर रहे हैं वैन का। बच्चे सो रहे थे, मियाँ भी सो रहे थे, तो मैं आ गई हूँ। जब वैन आए बैठते हैं यहाँ पे और आप सिकअप शप करते हैं उतनी देर के लिए, और हो सका तो फिर लंच की भी जो है मैं थोड़ी बहुत कैप्चर कर लूँगी, बट नॉट प्रॉमिस। बाकी आप लोग सुनाएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और क्या हो रहा है, बारिशें कहाँ कहाँ हो रही हैं? कराची में तो बिल्कुल नहीं हो रही, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ना टू मच वाली। दो चार दिन से वीडियो अपलोड नहीं की थी, कुछ परेशानी आ गई थी, अभी भी चल रही है। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और सारी परेशानियों को जो है वो दूर फरमाए। तो पिछले कुछ दिन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरे। टेंशन तो अभी भी वहीं की वहीं है, जो है वो रिजॉल्व नहीं हुई। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, आपसे दुआओं की अपील है कि मेरी फैमिली को जो भी मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनमें जो है वो हमें सुरखुरु करे, कामयाब करे और हम लोग की दुआएँ सुने, आप लोगों की दुआएँ सुने। तो इतनी सी अपील है, बाकी जो है ज़िंदगी रवा दवा है वैसे ही। वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन ज़िंदगी स्टॉप नहीं होती, चलती रहती है। सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, हवा है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। ये खज्जियाँ भी पकी नहीं हैं, कच्ची हैं। ये डोके, सम काइंड ऑफ डोके ही कहते हैं ना इनको, खज्जियों को। मैं कुछ ख़ास इनकी शौकीन नहीं हूँ, मेरी अम्मी बहुत शौकीन है इन खजूरों की ना। जिस एरिए में रहते थे उच शरीफ, वहाँ पर वो है एक खजूरों का शहर, बहुत खजूरें हैं वहाँ पे, इतनी खजूरें हैं और बहुत ही लजीज, जैसे कहते हैं ना मीठी मीठी। तो अम्मी बहुत शौक से खाती थी आधे कच्चे और आधे पक्के हुए डोके जो होते हैं ना, पीले पीले और ब्राउन ब्राउन से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज हम लोग बहुत हैप्पी हैं क्योंकि हमारी बेटी का, हमारी सिबल का जो है वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह से प्रेप में। तो सिबल ने जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स में जो है ना वो मीट एक्सपेक्टेशंस जो है वो हासिल किया है, क्योंकि प्री स्कूल में जो है वो
पेपर्स नहीं होते, वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते, असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर पोजीशंस, इस तरह बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्ची वन आई है, फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, थर्ड आई है। तो हमारे यहाँ यहाँ पर जो स्कूल सिस्टम है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना उसको दिए जाते हैं 3 लेवल्स। एक होता है मीट एक्सपेक्टेशंस, एक होता है एवरेज और एक होता है नीड सपोर्ट। इन तीनों के अंदर हम लोग जो है ना बच्चे को जो है वो देते हैं नंबर्स, और उसके नंबर्स तो नहीं, मतलब हम उसे समझ लें कि टिक देते हैं कि जी बच्चा जो है वो किस मतलब रैंक में जो है ना वो लाइक कर रहा है। तो माशाल्लाह से मेरी बच्ची ने जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर और सब चीज़ों के अंदर जो है ना वो हासिल किए हैं मीट एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सीलेंट रिजल्ट शी गॉट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और ये सिबल की पिक्चर है, और सिबल की बुक में भी जो है ना, सिबल बुक शो करें जो ईयरली बुक बनी है इनके स्कूल की, उसमें भी सिबल की जो है वो 3 पिक्चर्स हैं। और सिबल इतनी ज़्यादा हैप्पी हैं उसको देख के। टू मच वाली 101 पेज पे थी ना बेटा, डोंट डू दिस, लड़ना नहीं अच्छा। एक तो सिबल सारम की लड़ाई का समझ में नहीं आता, इतना ये लोग लड़ते हैं। ये देखें जी, सिबल को फाइंड करें, कहाँ है सिबल? सिबल वेयर आर यू? इन द पर्पल फ्रॉक, ये रहा ना, यू आर हेयर? यस, वाई नहीं? सारे में ढूंढ लिया। हाँ, ये पर्पल फ्रॉक में जो है ये हमारी सिबल बैठी हुई है मैडम, और एक और भी था, और ये भी है। हाँ, एक ये भी है और एक यहाँ पर भी है। चलो जनाब, तो आज है समर ब्रेक का डे फर्स्ट, और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं नाश्ता बड़े दिनों के बाद। वरना तो ये होता था कि सुबह मैं भागम भाग करके एक ब्रेड टोस्ट खा लिया, अंडा खा लिया, बॉयल चाय पी ली और भाग गई। या फिर संडे वाले दिन जब मैं घर होती थी सैटरडे संडे को, तो अम्मी के हाथ का पराठा जो है वो खाने को मिलता था, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार। अम्मी चली गई हैं वापस क्योंकि मुझे हो गई हैं छुट्टियां। और यहाँ पर आज मैंने बड़े दिनों के बाद अपने हाथ से जो है वो पराठे बनाए हैं, और लग तो मुझे बड़े ही लजीज और खस्ता रहे हैं। अभी खा के जो है वो देखते हैं कि कैसे बने हैं। साथ में ये रात वाला चिकन का सालन है और अंडा है बॉयल, साथ में मग ऑफ टी। अचार को मैं मिस कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने अचार डाल लिया होगा अभी सीज़न का, तो हम लोग तो सब इधर हैं तो अचार तो किसी ने बनाया नहीं। बाकी मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि नेशनल का पिकल जो है वो ले आएँ, वो भी मज़े का होता है, पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। जी जनाब, तो व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और आज है डे सेकेंड, और मैं बनाने लगी हूँ पीच का जूस। जो लोग पीच शौक से नहीं खाते, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि पीच का जो टेस्ट है मुझे तो बहुत ऑसम लगता है, कुछ लोगों को जो है वो कहते हैं कि खट्टा लगता है। और कुछ आजकल पीच खट्टे भी आ रहे हैं, समटाइम कभी कभार पीच बहुत मज़े के आते हैं, तो वो पीच का शरबत बना के पी लें, जूस बना लें, उसका बहुत मज़े का बनता है। कुछ लोग इसके अंदर जो है वो 7 अप या स्प्राइट ऐड करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करने वाली क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स के बेवरेजेस के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। ना मैं खुद पीती हूँ, ना अपने बच्चों को पीने देती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट हेल्थी फॉर द आवर हेल्थ। ओके, तो पीच में हम लोग सिंपल पानी डालेंगे ठंडा, और साथ में कुछ जो है वो शुगर ऐड करेंगे, और इसका मज़ेदार सा बहुत ही रिफ्रेशिंग जो है वो हम लोग जूस बनाएंगे। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ में जो है आज जो शाम में सब्ज़ी रात में बनेगी, मतलब बनाने लगी हूँ मैं अभी रात के डिनर के लिए, ये है तोरी यानी कि जूशनी, और इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, और साथ में जो है वो। तो जनाब ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाला है, और साथ में पीच डाल दिए हैं, और 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने चीनी के डाले हैं यानी कि शुगर के। पानी इसमें मैं बाद में और ऐड करूँगी, अभी जैसे इसको ब्लेंड करूँगी मैं ना, सिंपल इसको ब्लेंड करते हैं। शोर आपको नहीं सुनवाते, इसको करके फिर दिखाती हूँ। बहुत ही रिफ्रेशिंग, मज़ेदार और ठंडा ठंडा जो है ये पीच का शरबत है, शेक नहीं है ये, मतलब पानी वाला है, दूध वाला नहीं है। पीच में जो है खट्टा होता है तो दूध नहीं ऐड करते, वरना ये फट जाता है। तो बहुत मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी, पीच के जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है, और इन्जॉय करें ठंडा ठंडा कूल कूल। सारी पीना है? नो नो, व्हाई?